रोड़ी बेलवाला में मदन कौशिक का स्वागत किया गया। रोड़ी बेलवाला इकाई अध्यक्ष मंजूर तोमर, उपाध्यक्ष नीतीश अग्रवाल, गौरव मित्तल, महामंत्री दारा सिंह, अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। मदन कौशिक ने रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में आकर जनता के बीच में आश्वासन दिया कि जो जहां दुकानदार बैठा है वह वहीं बैठा रहेगा, उसे हटाया नहीं जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्रधानमंत्री जी चाहते थे। ये सही है कि शहर कंजेस्टेड होने के कारण एक साथ नहीं कर पाए। अभी ललतारो पुल पे 35-40 दुकानों का वेंडिंग जोन बनाया, नवंबर तक ऐसे 10-12 वेंडिंग जोन शहर में अलग बनेंगे। यहां 100 का जो महिलाओं का बन रहा वो इसलिए बन रहा कि 5,000 हमने कहा था कि महिलाओं को बिना ब्याज के पैसा दे के और इस प्रकार के एक दुकान बना के देंगे, महिलाओं के लिए ही कहा था। वह योजना महिलाओं के लिए ही थी, तो एक तो इस कारण से महिलाओं को हम दे रहे हैं। आज हमने मंथन कौशिक जी को बुलाया अपने यहाँ पे क्षेत्र में रोड़ी बेलवाला में, उनका स्वागत किया, फूलों द्वारा स्वागत किया गया। काफ़ी समय से वो आए भी नहीं थे इस क्षेत्र में, तो लोगों की जिज्ञासा थी कि उनको यहाँ बुलाया जाए, इसलिए हमने उनको यहाँ बुलाया भी। और हमने वेंडिंग जोन के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई वेंडिंग जोन की भी। हमारे लोगों की यही मांग रही कि हम लोग जहाँ पे बैठे हैं हमको वहीं पे बैठाया जाए, थोड़ा पीछे कर दिया जाए लेकिन वहीं पे बैठाया जाए, हमको उजाड़ा ना जाए। और जब तक हमारी व्यवस्था नहीं हो जाती वेंडिंग जोन की, तब तक हम पे कोई उत्पीड़न नहीं करा जाए, हमको यहाँ से हटाया नहीं जाए, यही हमारी सबकी मांग रही। और हमने बहुत जोरदार स्वागत हुआ है, जनता का काफ़ी प्यार रहा, काफ़ी बढ़ चढ़ से लोगों ने सहयोग लिया यहाँ पे। मदन कौशिक का नाम सुन के ही लोग एकदम ऐसे भाग के आए यहाँ पे कि भाई जैसे पता नहीं कितने दिन बाद मदन कौशिक जी क्षेत्र में आए हैं। हमने भी उनकी फूलों के द्वारा वर्षा की उनकी और स्वागत किया। हमारे जिन्हें कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जोरदार स्वागत हुआ है और उन्होंने हमारी जो समस्याएं थी उनको सुना और उनका निदान प्रदान करने की भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि तुम जहाँ पे बैठे हो उस क्षेत्र में तुमको बैठाया जाएगा, थोड़ा पीछे हो सकते हैं लेकिन उस क्षेत्र में ही। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जब तक तुम्हारी व्यवस्था नहीं होगी तब तक तुमको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। बताऊँ कि हमारी कुछ समस्याएँ थी तो हमने अपने शहर के पहले तरीके से बताइए कि यहाँ अतिक्रमण की व्यवस्था बहुत बिगड़ी पड़ी थी, उसके लिए हमें मतलब उसने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जहाँ बैठो आपको वहीं बैठाया जाएगा। इसलिए मैं शहर के प्रति बने उसी से धन्यवाद करता हूँ। बस हम यही चाहते हैं कि बस सबका साथ और सबका विकास, क्योंकि बस हमारे साथ है तो हम इनके साथ हैं। और हमारे अध्यक्ष जी हैं मनीष कुमार जी, हमें मैं भी आगे करता हूँ, हमारा साथ दें और हम इनके साथ दें। धन्यवाद।